हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे मैंने आपको क्वांटम नंबर बताए थे। 3 क्वांटम नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। सेकेंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एल, जो हमें क्या बताता है सबशेल के बारे में। एंड थर्ड वन इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं उसके बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज़ डिनोटेड बाय एम, माइनस एल टू प्लस एल तक होता है। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वांटम नंबर, दिस इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एस, या कई बुक्स में आपको एम एस भी मिलेगा, एम एस से डिनोट करते हैं इस क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, पहले जो 3 क्वांटम नंबर थे वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से मिल जाते हैं, बट ये जो फोर्थ वाला क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल था उससे नहीं हमें उसके बारे में पता चलता। तो दिस क्वांटम नंबर स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है, ठीक है, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, हो सकता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम उसे प्लस हाफ से, मान लेते हैं कि हम प्लस हाफ से उसे डिनोट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से। ये आपको रोटेशन भी दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज के लिए स्पिन अप, यानी कि स्पिन अप अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर वो स्पिन डाउन डाउन की तरफ कर रहा है तो इट्स इट एंटी क्लॉकवाइज और इट इज़ डिनोटेड बाय एरो। टू स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के दोनों स्पिन हैं एंड आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड, उनको हम जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट है तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में, एरो आपको दिख रहा है ऊपर को एरो, दिस इज़ द डिनोशन ऑफ द स्पिन अप, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए। एंड स्पिन डाउन, स्पिन डाउन के लिए हम नीचे जो एरो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ जिसकी डायरेक्शन है, दिस इज़ द स्पिन डाउन, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। वी नो दैट द ऑर्बिटल, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो ऑर्बिटल है कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, और दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, उनका स्पिन भी अपोजिट होगा, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। ये हम बात कह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। एस रेफर्स टू द ओरिएंटेशन, जो है एस हम बार बार जो लिख रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज़ द ओरिएंटेशन, रेफर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के ओरिएंटेशन को, कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अनदर टॉपिक इज़ द शेप्स ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल्स मैंने 4 बताई थी, एस पी डी और एफ, ये हमारी 4 ऑर्बिटल्स हैं, इनके बारे हमने पढ़ना है। तो इनकी शेप कैसी कैसी होती है, वैसे वहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया था, बट हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो शेप ऑफ द एटोमिक ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एस ऑर्बिटल, 1s एंड 2s, हो सकता है 1s, 2s, 3s, 4s, n की वैल्यू वेरी कर सकती है, बट नॉर्मल हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, आर स्फेरिकल इन शेप, जितने भी s ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, राउंडेड इन शेप होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, बिकॉज अब स्फेरिकल शेप है तो डायरेक्शन सारी जगह में कैसी होगी, सेम होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में इक्वल होगी। ऑर्बिटल आपको पता है ऑर्बिटल क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो, वो हमारा ऑर्बिटल होता है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, तो उसमें सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल, ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो ऑर्बिटल का साइज़ है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, कि जो एन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो एस ऑर्बिटल का साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। तो सबसे जो 1s सबसे छोटा हुआ, मतलब उसका जो राउंडेड शेप है वो छोटा होगा, उससे बड़ा 2s, 3s और 4s, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारे s का साइज़, यानी s ऑर्बिटल का साइज़ भी बढ़ता जाएगा।
ये आप देख रहे होंगे, ये 1s ऑर्बिटल है, ये राउंडेड शेप में, दोनों राउंडेड शेप है, s ऑर्बिटल है, आप s ऑर्बिटल को राउंड शेप से ही आप शो करेंगे, बट ये कंपैरिजन करा रही हूँ 1s और 2s, यानी कि n की वैल्यू वेरी करी है, एक में है 2, एक में है 1, तो 1s वाले ऑर्बिटल स्मॉल है इन कंपैरिजन टू 2s, यही बता रहे हैं कि जो n की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी जो स्फेरिकल साइज यानी s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है। अब एक चीज़ आ रही है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन वो रीजन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है, उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन द रीजन वेयर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो, जीरो है, मतलब वहाँ पे ना पाया जाए इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं नोडल प्लेन, इस कॉल्ड द नोडल प्लेन या फिर नोड्स। नंबर ऑफ नोड हम पता कैसे लगाएं कि हमारे ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, तो उसके लिए हम n माइनस वन, ये फॉर्मूला है n माइनस वन यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जो है 1s ऑर्बिटल में पूछा जाए कि कितने नोड हैं, तो n माइनस वन, वहाँ पर 1s में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1s में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, नंबर ऑफ नोड्स इज़ ज़ीरो इन द 1s ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा इन 1s नंबर ऑफ नोड्स इज़ ज़ीरो। इन 2s, अगर 2s ऑर्बिटल की बात करें तो 2s में n माइनस 1 की वैल्यू, n की वैल्यू है 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 2s में नोडल प्लेन कितने हैं, 1 है, तो हम नोडल प्लेन कैसे निकाल सकते हैं, n माइनस 1 फॉर्मूले से। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल आपको समझा दिया है, सेकेंड है p ऑर्बिटल एंड इट इज़ द डंबल शेप, आपने डंबल देखे होंगे उस शेप का ये ऑर्बिटल होता है। देयर आर 3 और पी ऑर्बिटल, आपको मैंने बता दिया था पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, और एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, एस में एक ऑर्बिटल, इन 3 डायमेंशनल, अब 3 और पी ऑर्बिटल है यानी कि 3 डायमेंशनल में होता है। पी एक्स जैसे कि आपको दिख रहा है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स में जब कैसे होगा, उस डायरेक्शन में होगा, उस एक्सिस में ऑर्बिटल बना होगा, तो वो पी एक्स है, आप एक्स एक्सिस में देख सकते हैं बना हुआ है ऑर्बिटल डंबल शेप, दिस इज़ द पी एक्स। वाई एक्सिस में आपको दिख रहा है सेकेंड में, देखिए बीच सेंटर में वाई एक्सिस में पी ऑर्बिटल बना है, दिस इज़ द पी वाई, एंड द जेड एक्सिस में आपका पी ऑर्बिटल बना है तो वो पी जेड, यानी कि तीनों एक्सिस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 तीनों एक्सिस में, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ज़ीरो ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स आर प्रोबेबिलिटी टच ईच अदर। क्या बोल रहे हैं ये कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लोब की बात करें, जहाँ पर दो लोब मिलेंगे, पी ऑर्बिटल में आपने देखा कि दो डंबल शेप है, डंबल शेप मतलब एक लोब है और दूसरी साइड दूसरा लोब है, जहाँ पे ये दो लोब एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ये दोनों लोब एक दूसरे को, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। जहाँ पर हम नोडल प्लेन की बात कर रहे थे, जो नोडल प्लेन था उस वो भी क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ज़ीरो, कहाँ पर, ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स ऑफ द पी ऑर्बिटल टच ईच अदर, जहाँ पर पी ऑर्बिटल के दोनों लोब एक दूसरे को टच करेंगे, कट करेंगे, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना होगा, ज़ीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं हो सकता। द साइज़, ये जो तीनों ऑर्बिटल है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड इज़ आइडेंटिकल एनर्जी के मामले में, साइज़ के मामले में, शेप तीनों एक जैसे ही होते हैं, एनर्जी सेम होती है तीनों की, साइज़ भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है, बस चेंज होता है तो एक्सिस। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इट इज़ द डबल डंबल शेप, पहले भी आपको बताया कि जो डी ऑर्बिटल है डबल डंबल शेप होता है, द ऑर्बिटल इज़ नोन एज डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल हम उसको कब कहेंगे, जब एल की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू 3, एन के लिए जो डी ऑर्बिटल के लिए जो मिनिमम एन की वैल्यू है वो 3 है, यानी कि डी जो ऑर्बिटल स्टार्ट होगी कहाँ से स्टार्ट होगा, 3d से, ठीक है, 2d और 1d नहीं होता, 3d से स्टार्ट होगा। l इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू यानी कि d ऑर्बिटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल होती है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, d में 5 ऑर्बिटल होती है, s में 1 होती है, p में 3 ऑर्बिटल्स होती है और f में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो d में आपकी 5 ऑर्बिटल हैं, बिकॉज l इक्वल्स टू 2, तो माइनस 2 से प्लस 2, तो माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 और प्लस 2, ये 5 ऑर्बिटल होती हैं डी ऑर्बिटल में। कौन कौन सी होती है डी ऑर्बिटल के, नाम क्या है 5d ऑर्बिटल के, ये आप देख रहे होंगे 5d ऑर्बिटल आर डिजिग्नेटेड एज, कैसे कैसे हम इसको शो करते हैं, dxy,
वहाँ पर हमने पी ऑर्बिटल के केस में तीन पी ऑर्बिटल पढ़ी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इन दिस केस ऑफ द डी ऑर्बिटल द डिजिग्नेटेड आयस डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पाँच ऑर्बिटल्स होती हैं डी ऑर्बिटल में। इनकी शेप आपको नीचे दिख रही होगी। जो पहली फोर जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये शेप में एक जैसी होती हैं। बट जो लास्ट है डी जेड स्क्वायर, इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ये डिफरेंट होती है। बट द एनर्जी ऑफ द 5D ऑर्बिटल इज़ द सेम। जो तीन ऑर्बिटल होती हैं 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। नीचे आपको दिख रहा है इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। डी एक्स वाई हम बोल रहे हैं, डी एक्स वाई में कैसे अरेंजमेंट होगा डबल डोमेन शेल का, एक्स और वाई के बीच में होते हैं ऑर्बिटल। सेकेंड में बीच में जो है डी एक्स जेड है, यानी कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में ये के सेंटर में होंगे ये डी एक्स जेड, और डी वाई जेड एक्स वाई और जेड के सेंटर में होंगे। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई वाले एक्सिस में होते हैं। ये जो यहाँ लिखा है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस में है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई, ये गलती से जेड लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होगा ये। लास्ट वाला है डी जेड स्क्वायर, दिस इज़ द डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये थी उन चारों में से। लास्ट वाले का स्ट्रक्चर ये डी जेड स्क्वायर में होता है, ये स्ट्रक्चर इसका है। तो अभी आपको मैंने डी तक ऑर्बिटल तक की शेप बताए। एफ कम ही आता है तो उसको बनाना थोड़ा, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल में होता है तो चार फोर लोबे होता है, बहुत सारी एट फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है तो बनाना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज़ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? नो टू इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। इनके कॉन्सेप्ट के बिना आगे हम कन्फिग्रेशन भी नहीं कर सकते। तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। दो इलेक्ट्रॉन की सेम एटम में, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, नॉट द सेम। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है? एक बार और सुन लीजिए, सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी कि n, l, m, s की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तीन हो सकती है, फोर्थ वाली फिर भी चेंज होगी। दिस प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेट दैट द टू इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ऑर्बिटल में, ये भी पाउली जी ने ही बताया था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड डज दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, दोनों की स्पिन अलग अलग होगी। अगर वो ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है भी तो क्या है, वो अपोजिट स्पिन वाले हैं। यही बोला जा रहा है कि उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन के। फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल्स टू वन, एन की वैल्यू अगर वन है तो एल की वैल्यू जीरो होगी, एन माइनस वन से हम निकालते हैं। एम भी जीरो होगा अगर एल की वैल्यू जीरो, तो एस कैसे निकालेंगे? एस में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो एक होगा प्लस हाफ, तो एक होगा माइनस हाफ। तो इनकी एस की वैल्यू यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर तो सेम है उन दोनों इलेक्ट्रॉन की, दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या है, एन की वैल्यू वन हो गई, एल की वैल्यू जीरो होगी, एम की वैल्यू जीरो होगी, बट एस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ। अब क्लॉक वाइज को ले हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं एरो, और एंटी क्लॉक वाइज के लिए नीचे डायरेक्शन में। आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे एस में, तो ये क्या है, इनकी जो फोर्थ वाली क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि सेकंड सेल में, यानी कि एन की वैल्यू जब टू होगी तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अगर आपको किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एन की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फार्मूले से निकाल सकते हो, टू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू आपके पास टू है, तो टू इंटू टू का होल स्क्वायर, यानी कि टू टू जब फोर, फोर की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो एट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसका जिसमें एन की वैल्यू टू है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एट इलेक्ट्रॉन। आप इसको निकाल भी सकते हैं कैसे, अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं। एन की वैल्यू टू है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो और वन, एन माइनस वन होता है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। एल की वैल्यू जो है वो एन माइनस वन से निकालते हैं, तो n माइनस वन, टू में से वन गया, कितना बचा, वन, यानी कि जीरो और वन, जीरो के लिए s होता है, वन के लिए p होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, s के लिए जीरो और वन के लिए, यानी कि p ऑर्बिटल के लिए माइनस वन से प्लस l, माइनस वन, जीरो, प्लस वन।
अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे ज़ीरो के लिए स्पिन क्वांटम नंबर में, तो एस ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल होती है, पी में तीन ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, यही है तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में थ्री ऑर्बिटल हैं, आपको पता है एक ऑर्बिटल में जब टू इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तीन में कितने आएंगे, टू थ्री जै सिक्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन आएंगे पी ऑर्बिटल में, और एस में एक ही ऑर्बिटल है इसलिए टू ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पी में सिक्स और एस में टू, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन एट आ सकते हैं, एट इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, ये शॉर्टकट्स हैं। नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, अगर आपको किसी शेल में सब शेल पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, जितनी शेल हैं उतनी ही नंबर ऑफ सब शेल होती हैं, नंबर ऑफ शेल जितनी होंगी उतनी ही सब शेल होंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, किसी एक शेल में अब ऑर्बिटल कितनी होंगी, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं एन स्क्वायर। अगर मैंने बोला टू है, टू में एन की वैल्यू टू है, तो उसमें ऑर्बिटल कितनी है, टू की पावर टू कर दो, टू टू जो फोर, ऑर्बिटल कितनी होंगी, फोर। ऐसे आप निकाल सकते हो जल्दी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक शेल में किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू एन स्क्वायर। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि एन की वैल्यू जब आपको पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो, टू एन स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो किसी सब शेल में, टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन, अगर सब शेल पता लगाने कितने ऑर्बिटल कितने हैं उसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, किसी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मल्टीप्लाई टू एल प्लस वन, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल टू। नेक्स्ट है ये अबव प्रिंसिपल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू गिव द कन्फिग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबव प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए इन अ सबशेल। अब सबशेल क्या, एस पी डी और एफ में, एस पी डी एफ ये सबशेल हैं, इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इसके बारे में है यही अबव प्रिंसिपल। अबव ने प्रिंसिपल दिया, फर्स्ट ये दिया एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबशेल, किसकी हम कैसे फिलिंग करेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल, यानी कि हमें पता होनी चाहिए किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, तभी तो हम उसको देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है, सबसे पहले पता होनी चाहिए एनर्जी किसकी कितनी है, कौन से ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है। सेकेंड चीज़ ये, इलेक्ट्रॉन फर्स्टली हम वहाँ फिल करेंगे जिसकी एनर्जी लोअर हो, इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले फिल किए जाएंगे वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे, ये इनकी क्या थी, इनकी प्रिंसिपल ने ये सब चीज़ें इसमें कंसीडर करी थी। थर्ड इज़ द इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में, फिर आगे आगे धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल में फिल करते जाएंगे, ये इनका रूल था। एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल क्यों हेल्पफुल हुआ, ताकि हमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी पता लगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ सब शेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल, एन प्लस एल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी ऑफ सब शेल भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि एन प्लस एल की वैल्यू, एन प्लस एल तो हम आराम से निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी हमें पता लग जाती है, और एल की वैल्यू एन की वैल्यू से ही निकलती है एन माइनस वन करके, तो एन प्लस एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी एनर्जी भी उसी ऑर्बिटल की उतनी ज़्यादा होगी, तो हमें क्या, जब एनर्जी पता लग जाएगी तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे दिया है फॉर 2s, 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है 2s, आपको पता है इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, और l की वैल्यू n में से एक माइनस कर दीजिए, ज़ीरो कितनी हो जाएगी, s ऑर्बिटल है, ठीक है, s के लिए होता है वैल्यू l का ज़ीरो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2s के लिए 2 जो है वो n की वैल्यू है, और s में जब s होता है तो l की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है, जब s होता है तो l की वैल्यू ज़ीरो होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि l की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो s, l की वैल्यू वन होती है तो p, l की वैल्यू टू होती है तो d, l की वैल्यू थ्री होती है तो f, इस तरीके से। यहाँ पर 2s के लिए हम निकाल रहे हैं तो 2s का मतलब n की वैल्यू तो 2 और l की वैल्यू 0, n प्लस एल हम यहाँ निकालेंगे तो n प्लस एल का मतलब 2 प्लस 0 कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब ऐसी 3p में हमने निकाला तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू p का मतलब 1, l की वैल्यू वहाँ कितनी होगी 1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, n प्लस एल रूल हमारा 4 है, एक की एनर्जी 2 है, एक की एनर्जी 4 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल किया जाएगा,
जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन द 2s, 2s में फिल करेंगे हम पहले, 3p में नहीं, ठीक है। जो हमारी सारी ऑर्बिटल्स हैं उसको हमने पहले ऐसे ही लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, कौन कौन सी ऑर्बिटल, 1s है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p एंड सो ऑन, आगे भी हो सकती हैं। ऑर्बिटल हमने इस साइड, एक साइड लिखा है ऑर्बिटल, और n प्लस l वैल्यू, तो 1s के लिए n प्लस l वैल्यू, 1s के लिए 1, n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू 0, s के लिए 0 होती है l की वैल्यू, p के लिए 1 होती है, d और d के लिए 2 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1s के लिए 1 n प्लस l की वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 2s के लिए 2 प्लस s की वैल्यू 0 होगी प्लस 2, 2p के लिए 2 प्लस 1, क्यों, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है और n की वैल्यू तो आपको देखने से पता लग ही रहा है, इक्वल्स टू 3, 2 और 1 3, ऐसे 3s के लिए 3 प्लस 0, क्योंकि s की जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, जहाँ पर p है वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है, जहाँ पे s है वहाँ पे 0 प्लस करना है, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 3d के केस में 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 4s के केस में 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, 4p के केस में 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 4d के केस में, अब देखिए d आ गया तो आ गया l की वैल्यू क्या होती है, जब 2 होती है तब आता है d, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, और 5s का मतलब 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। अब देखिए इसमें इफ़ एन एंड पी सेम सो प्रीफर, इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सी चीज़ों की जो वैल्यू है वो एनर्जी जो है सेम आ रही होगी, इसमें तो सबसे कम जो एनर्जी है पहले तो 1s ही आएगा, तो अकॉर्डिंग द अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ ने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, इनके एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले आया 1s, 1s की एनर्जी सबसे कम थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाएगा वो 1s में पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद 2s की थी एनर्जी, उसके बाद 2p की, ठीक है, यहाँ पे आपको 2p पहले लिखना है, 2p 3s, उसके बाद 3p, 4s, 3d, अब 4s और 3d में आप देखिए 4s की एनर्जी 4 थी और 3d की एनर्जी कितनी थी 5, तो वो बाद में ही आएगा, 4p, उसके बाद 4p देखिए 5 है उसकी, 5s, उसके बाद 4d, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है अफबाउ प्रिंसिपल का, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, ठीक है। आपको इसका शॉर्टकट निकालना हो कि आपको इसका ऑर्डर नहीं याद हो रहा है, तो आपको ऐसे लिखना है, पहले 1s लिखना है, उसके नीचे 2s, 2p, 2s, 2p ही होता है, फिर 3s, 3p, 3d, ऐसे लिखते जाना है, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6x, 6p, 6d, 7s, 7p। अब इसको ऊपर से 1s से जब स्टार्ट करते हैं एरो जैसे आप देख रहे हैं, फिर से हम 2s पे ही आएंगे, ठीक है, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर एरो देखिए आप, एरो फिर से वो घूम कर आ रहा है 3p पे, 3s के बाद 3p, फिर 4s पे आ रहा है, फिर ऊपर घूम के आ रहा है 3d। ये आप देख रहे होंगे पहले 1s पे आ रहा है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके ये चल रहा है, ऐसे ऐसे करके, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ये चलेगा, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p से नीचे आएंगे 4s, फिर ऊपर 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद सीधा 4d, ऊपर अपोजिट, फिर 5p, 6s, फिर ऊपर जाएंगे 4f, फिर 5d, 6p, 7s, ऐसी 5f, 6d, 7p, इस तरीके से। ये पूरा आपका अफबाउ प्रिंसिपल के जो बेस पे उन्होंने एनर्जी बताई थी ऑर्बिटल्स की वो दिया था, इसके ही बेस पे हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हुंस रूल, हुंस रूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में, एंड हुंस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में ही बताता है ये रूल, इनटू द ऑर्बिटल, की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करें। अब अफबाउ के प्रिंसिपल से ये तो पता चल गया कि एनर्जी जो थी उनकी पता लग गई कैसे कैसे हमें ऑर्बिटल्स को रखना है, अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, अब करना कैसा है, ये रूल हमें बताता है, इट स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, की जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पी डी और एफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज़ गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच। ये है जब से हम फिलिंग करते हैं, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं आ जाता तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसी सबशेल की, उसी एन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इट इज़ सिंगली ऑक्यूपाइड, सिंगली ऑक्यूपाइड तक रहने तक, जैसे 1s में ये आपको पहले पता होना चाहिए कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन, s में दो इलेक्ट्रॉन,
पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। क्यों आ सकते, देखिए एस में होती है एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी में होती है आपकी 3 ऑर्बिटल, 3 में एक एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 6। अब डी में होती है 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 2 10 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो इनका आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि 1s2 की s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, s में 2 और 3d, d में 10 और f में 14। ठीक है, जब हमने एहुंड के अकॉर्डिंग रूल इसको देखा गया कि जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, सबसे पहले जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1s1 इसके लिए होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन हम सीधा फिल कर देंगे, ये ऑर्बिटल है 1s की, एक इलेक्ट्रॉन फिल। HE की, HE में होते हैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Z की वैल्यू 2 1s2, तो कैसे फिल करेंगे, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, उसी में पेयरिंग हो जाएगी। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 होती है, 3 होते हैं, तो 1s2 के बाद क्या आएगा, 2s आता है, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s 2 और 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक 1s2 में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो 2s1 में, तो उसको इस तरीके से फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 1s2 में और 2s में 1। B5 यानी बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1, 5 होते हैं इसमें, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p जो है, p में कितना है, देखो ऑर्बिटल 3 होती हैं लेकिन p में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 5 होता है तो 2 2, तो किस में आ गया, 1s और 2s में आ गया, एक बच गया वो p में जाएगा, तो p इलेक्ट्रॉन चाहे हम px में भरे, py में भरे, चाहे pz में भरे। उसके बाद जब कार्बन की बारी आती है, तो कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2 ही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि दे रखा है ऊपर, लेकिन जब 2p2 में px py pz 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो हमें क्या करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह भरा जाएगा, तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये नहीं कि आपने px में दोनों इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। तो हुंस रूल यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन प्रिफर्ड, ये इलेक्ट्रॉन क्या प्रिफर करते हैं, वो अनपेयर्ड रहना चाहते हैं एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके वो क्या रहना चाहते हैं, अनपेयर्ड रहना चाहते हैं। जब उनकी हाफ फिल्ड हो जाती हैं, तीनों ऑर्बिटल अगर पी की है, जहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, सपोज और एटॉमिक नंबर बड़ा होता कोई, तो तीनों ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो गई होती, तब पेयरिंग तब स्टार्ट होती पीएक्स से ही, अरे समझ में, हाफ फिल्ड होने के बाद यानी कि आधी भरने के बाद तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी, पहले पेयरिंग नहीं कर सकते स्टार्ट, ये हुंस रूल बताता है। इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल इज हाफ फिल्ड, वही मैंने भी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड, तब पेयर्ड होंगे जब व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल, सबशेल की जब सारी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगी पैरेलल स्पिन, एक जैसे स्पिन की, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके लिए 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2p3, p में 3 आएंगे, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले px में, py में, pz में, ऐसा नहीं है कि px में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और y में हमने एक डाल दिया, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड नहीं होगा पूरी p ऑर्बिटल में। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन का देखिए 8, 1s2 2s2 2p4, p में होते हैं 4, तो 1s2 2s2 तो आपको सिंपली करना है, उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बट जब p4 वाली बात आएगी तो ऑर्बिटल होते हैं 3, तो 1, एक एक इलेक्ट्रॉन तो आपने फिल कर दिया पहले px py pz में, जब बचा आपका 1, तो वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, का स्पिन चेंज होगा, 4th इलेक्ट्रॉन पहले, फिर से पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही F9 में ही, 9 होता है फ्लोरिन का, तो 2p5 का कन्फिग्रेशन है, तो 2p5 के कन्फिग्रेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले पी में भर दिया जाएगा, फिर 3 हो जाएंगे, 3 4, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, और 5 px में फिर से पेयरिंग होगी और py में पेयरिंग होगी, आ रहा है समझ में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जो हम इतना हुंस रूल और आबाउ प्रिंसिपल, वो अप्लाई हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद द यूज ऑफ द अबाउ प्रिंसिपल एंड द हुंस रूल्स ऑल्सो। हाइड्रोजन की अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताई, ये उसी के बारे में ही है, दोनों हुंस रूल और अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है। हाइड्रोजन में एक होता है आपका एटॉमिक नंबर, एक होता है उसका, तो 1s1, तो एक ऑर्बिटल बनाएंगे, s में एक ही ऑर्बिटल होती है, एक इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे। ऐसे हीलियम में HE2, 1s2,
दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, लिथियम में थ्री तीन होता है उसका एटमिक नंबर, तो 1s2 और 2s1, तो दो इलेक्ट्रॉन 1s2 में आएंगे, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हम शो करेंगे। बी में फाइव यानी बोरॉन में फाइव होते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p1 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन 1s2 में, टू इलेक्ट्रॉन 2s2 में, 2p1 में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही सोडियम गैस ही बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, जितने भी आपको कोई सा भी आए तो उसके लिए ऐसे ही निकालते हैं। सोडियम में कितना होता है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। पी में सिक्स ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 3s1 में, क्योंकि उसके बाद एनर्जी लेवल कौन आता है, 3s, वो प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए तभी आप याद कर पाएंगे। 1s2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए, 2s2 के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, p6 के पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, बचा आपका एस में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एस ऑर्बिटल एक बनाया 3s का, वो एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर दिया। ये ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऐसे ही वो छोटे छोटे सम्स आ जाते हैं आपके। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच द एन वैल्यू 2 एंड एम की वैल्यू 0, उसके लिए एस हाफ इन, यानी कि एस की वैल्यू जो प्लस हाफ हो, तो उसके लिए आप बताइए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू कितनी होगी जब एन की वैल्यू 2 है, तो 0 और 1, एन माइनस 1 कर देते हैं, तो 0 के लिए एस और 1 के लिए पी, एम की वैल्यू 0 होगी जब एस के लिए निकालेंगे, और पी के जब एम की वैल्यू क्या होगी पी के लिए, माइनस 1 से प्लस एल तक, तो माइनस 1, 0, प्लस 1। प्लस हाफ के लिए बोल रहे हैं तो प्लस हाफ के लिए एक ही पॉसिबल है, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा एस में और एक नीचे, दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। फाइंडिंग द ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच द एन की वैल्यू 3 और एस माइनस हाफ, यानी कि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जब एन की वैल्यू 3 हो और एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो, माइनस हाफ, ना माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो एन की वैल्यू जब 3 होती है तो एल की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस 1, यानी कि 0, 1 और 2। एम 0 होगा, 0 के लिए एस के लिए, 0 के लिए एस, तो 0। 1 के लिए पी यानी माइनस 1, 0 और प्लस 1, 3 ऑर्बिटल होंगे। जब 2 है वैल्यू यानी कि डी ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल होंगे, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2। तो यही सामने है इसके, 0 के आगे एक ही एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, उन्होंने माइनस पूछा है, माइनस हाफ, माइनस हाफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज नीचे की डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल कर दीजिए। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक एस में, 3 पी में, कितने हो गए, 3 और 1, 3 और 1, 4, नीचे 5 में, 4 और 5, 9, 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको एन की वैल्यू 3 दिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछ दिए जाएं, ठीक है, एन की वैल्यू 3 दिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पूछे जाएं कि बताइए माइनस हाफ वाले कितने होंगे, तो 2n² तो आपको पता ही है, 3 जाए 9, 9 टू जाए 18, 18 का आधा कर दीजिए कितना होता है, 9 होता है। क्यों होता है, क्योंकि माइनस हाफ वाले आधे ही तो होंगे, प्लस हाफ का प्लस हाफ, बाकी के बचे प्लस हाफ होंगे और माइनस हाफ वाले आधे बचे, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में। तो सपोज़ क्लोरीन का है, क्लोरीन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 17, 17 के लिए 1s2, अबव प्रिंसिपल से आपको एनर्जी लेवल के पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, पहले आप 1s, 2s, 2p, 3s, 3p लिख दीजिए, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन 17 तक फिल करना है आपको, तो पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद 3s में 2 कितने हो गए, 12, 12, अब कितने भरने हैं आपको, 12 यानी कि बच गए 17 में से, 12 चले गए तो 5, 5 यानी कि 3p में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इनका कॉन्फ़िगरेशन, s का, s में आप 2 भर दीजिए, 2s में भी 2 भर दीजिए, और 2p6 है तो दो दो इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और 3s में एक ऑर्बिटल होता है तो दो इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए फिर पेयरिंग स्टार्ट कीजिए तो 2 तक आएंगे। ऐसी पोटेशियम का है 19 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s तक लिख दीजिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, कितने हो गए, 10, 3s में 2 कितने हो गए, 12, 3p 6, 12 और 6, 18, 1 बच गया यानी कि 4s में जाएगा, इसके बाद 4s1, इसको फिल कर दीजिए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज आर द सम एक्सेप्शन इफ वी कॉन्फ़िगरेट टू सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, जिनका डायरेक्टली सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर सकते, वो कुछ एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि क्रोमियम, क्रोमियम का होता है
24 एटॉमिक नंबर, कॉपर हमारा एक्सेप्शन है 29, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्या क्या एक्सेप्शन है, रूबीडियम 44, होंडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, प्लैटिनम 78 एंड गोल्ड 79, ये एक्सेप्शंस हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कैसे होते हैं एक आप समझ लेना तो आपको आगे भी आ जाएंगे। क्रोमियम का जो हम 24 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का 24, हम इसको कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेमली हम सिंपल जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही कर दिया हमने सपोज, ठीक है, वैसे ही आपको अभी बता रही हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d लिख दिया। अब आपको 24 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 और 2, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, कितने हो गए 10, 3s में 2, 12, 3p में 6, 12 और 6, 18, 4s में 2, 18 और 2, 20, हो गए 20। अब 3d में कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए कितने हो गए 3d, 4s तक तो 20 हो गए थे, कितने बच गए 24, होने में 4 बच गए, तो 3d में 4। तो ये जो ये कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं ये नॉर्मली अभी तक जैसे मैंने बताया वैसे करते थे, लेकिन मैंने बताया ये क्या है एक्सेप्शन है, ये एलिमेंट्स क्या हैं एक्सेप्शंस हैं, तो इट इज़ रॉन्ग द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इन एक्चुअल में एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चल जाता है डी में, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चल जाता है डी में, तो आप देख रहे होंगे नीचे, अब बाकी का सेम है पीछे, बस देखिए आप 4s1 और 3d5, यानी कि जो 4s2 था ऊपर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया डी में, 5 हो गया वहाँ पर, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप कर लीजिएगा पूरा काम, जो भी डाउट हो कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।